मानेसर लैंड स्कैम मामले में सीबीआई की चार्जशीट कोर्ट में दायर होने के बाद हरियाणा में सियासत लगातार गर्माती जा रही है। कांग्रेस जहां बीजेपी पर बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगा रही है, वहीं मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा है कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। मानेसर लैंड स्कैम में सीबीआई की ओर से कोर्ट में दायर चार्जशीट में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम शामिल होने के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस जहां इस मामले में हुड्डा का पूरी तरह बचाव कर रही है, वहीं बीजेपी पर बदले की भावना से कार्रवाई करने का भी आरोप लगा रही है। विपक्ष के आरोपों के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सीबीआई की चार्जशीट पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस मामले पर गीता के ज्ञान का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि गीता का श्रेष्ठ ज्ञान है कि जैसी करनी वैसी भरनी। सीएम ने कहा सीबीआई के हाथ कुछ प्रमाण लगे होंगे तभी चार्जशीट दाखिल की गई है। गीता का है यही श्रेष्ठ ज्ञान, जैसी जिसकी करनी भगवान देगा उसको वैसा ही वरदान, वैसा ही भगवान उनके लिए निर्णय करेगा। इसलिए हमें इसमें कुछ नहीं करना है। कुल मिलाकर ये सीबीआई का एक दर्ज किया हुआ केस है और सीबीआई ने चार्जशीट की है। इसके अलावा रोहतक में मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि दोषी कोई भी हो उसे दंड जरूर मिलेगा और हुड्डा ने तो खुद जांच की मांग की थी, इसलिए उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। और इसमें अगर कहीं कोई सीबीआई के हाथ में किसी प्रकार के प्रमाण लगे हैं तभी वो चार्जशीट दी गई है। और मैं समझता हूँ दोषी कोई भी हो इस प्रदेश में उसको दंड मिलेगा। और इस प्रकार जो आरोपी हैं उनको जो पहले कहते थकते नहीं थे कि हमारे खिलाफ किसी प्रकार की जांच करा ली जाए, आज उनको चिंता नहीं करनी चाहिए। जांच में अगर कोई दोष सामने आएगा तो निश्चित रूप से सजा मिलेगी। घोटाले पर कांग्रेस को दिया गया मुख्यमंत्री का एक गीता ज्ञान कांग्रेस को कितना रास आता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही।